Hey guys, welcome back to my channel, Join to World. I hope you are doing absolutely fine. Guys, मैं हूँ प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Join to World. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आइडल के ऑडिशन आज से स्टार्ट हो गए हैं और वो भी एकदम फ्री हैं. तो आइए जानते हैं क्या है इसका प्रोसीजर और कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो गाइज जो इसमें एज ग्रुप है वो है 14 साल से लेके 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं और ऑडिशन डेट जो है आज से यानी 25 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक की है. इसके बीच में ही आप अप्लाई कर सकते हैं. अब अप्लाई कैसे करना है, आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है और वीडियो सबमिट करना है. आइए जानते हैं कैसे आपको सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है. तो गाइज आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर में, वहां पे लिखना है सोनी लिव. अब यहाँ पे देखिए आ चुका है. अब यहाँ पे क्लिक करना है और आपको तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो लोगो आप देख रहे हैं ना इस पे क्लिक करना है और कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना है. उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है. अब ये इंस्टॉल हो रहा है. अब आपको यहाँ पे इसको खोलना है. उसके बाद आपको जो आएगा इंटरफेस वो ऐसा आएगा थोड़ा. तो गाइस अब आपको यहाँ पे इंडियन आइडल पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सबमिट करना है और ये फिर कंटिन्यू करना है आपको. अब आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है और आपको साइन इन करना है. तो बहुत सिंपल है गाइस ये. उसके बाद आप कहाँ से हैं, आपको पहले वो सिलेक्ट करना है. आप बिहार से हैं, आप दिल्ली से हैं कि आप गोवा से हैं. मैं डालता हूँ महाराष्ट्र. अब आप कौन सी सिटी से हैं, मैंने डाला मुंबई. आप जहाँ से भी हैं, अगर आप लखनऊ से हैं तो आपको लखनऊ डालना है, आप दिल्ली से हैं दिल्ली डालना है, आपको जयपुर से हैं तो जयपुर डालना है. फिर आपको सेव कर देना है. फिर आपको हिंदी और इंग्लिश जिसमें आपको फॉर्म सबमिट करना है वो सिलेक्ट करना है, हमने इंग्लिश के लिए. अब यहाँ पे जो भी है टर्म एंड कंडीशन, अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा. आपको एग्री करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे. अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको स्टार्ट योर ऑडिशन नाउ. आपको अपना ऑडिशन स्टार्ट करना है. अगर आपको नहीं, अगर कुछ पढ़ना है इसके बारे में तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू स्टार्ट, आप देख सकते हो. अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह आपको दिखाएगा वो कैसे फॉर्म सबमिट करना है, उसको देख भी सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प होगी इससे भी. और आपको फिर ये करना है इसके. अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है. अब मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ जल्दी से. और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपने, मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे. और आपको मेल फीमेल जो भी है. फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिर से डालना है यहाँ पे. फिर आपका कोई घर का नंबर हो तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे. ये इसलिए होता है कभी कभी आपके आपसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उनके पास आपके दो नंबर होंगे तो वो इस पे नहीं तो उस पे कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे. अब यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी जल्दी से. मेल आईडी सबमिट किया आपने, फिर से आपको यहाँ पे सबमिट करना है. आप कहाँ से हैं, फिर यहाँ आपने सबमिट किया जल्दी से. तो गाइज आपने देखा आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर अपने आपको दो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालने ही डालने हैं. फिर उसके बाद आपको अपना मेल आईडी डालनी है, फिर आप किस स्टेट से हैं वो डालना है और सिटी डालना है. उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है. तो गाइज आपने इससे पहले किसी रियलिटी शो में या कोई टैलेंट शो में अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए आपको येस या नो लिखना है. ठीक है, हम नो लिखते हैं यहाँ पे. फिर हमें नेक्स्ट करना है. तो गाइज़ यहाँ पे सिंपल सा दिखा रहा है, अगर आपने इससे पहले किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, प्रोडक्शन हाउस के साथ, चैनल के साथ, तो गाइज़ आपको येस या नो में यहाँ पे आंसर देना है. हम नो कर देते हैं, फिर हमें नेक्स्ट कर देना है. तो गाइज़ अगर आप ट्रेंड सिंगर हैं तो आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो क्लिक करना है. हम आगे बढ़ते हैं. अब गाइज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में गाना गाते हैं. आप अपनी लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, आप अदर में भी कर सकते हैं. अगर आप भोजपुरी में गाते हैं या मराठी में गाते हैं, जो भी आप लैंग्वेज में गाते हैं वो भी आप यहाँ पे अदर में आपको सेलेक्ट करना होगा. उसके लिए हम हिंदी में है तो हम हिंदी करते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं. तो गाइज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप फॉर्म खुद सबमिट कर सकते हैं, अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से ये फॉर्म सबमिट करा सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्योंकि हम 18 साल से ऊपर हैं. अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं. तो गाइज यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है. तो गाइज अब हमारा जो पार्ट है इसमें बताया गया कि आपको ऑडिशन कैसे रिकॉर्ड करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है. तो गाइज आप यहाँ पे दो वीडियो सबमिट कर सकते हैं. आप अलग अलग सिंगिंग स्टाइल के यहाँ पे दो वीडियो सबमिट कर सकते हैं. और गाइज आप जब भी ये रिकॉर्ड करें आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए, प्रॉपर आपके फेस पर लाइट होनी चाहिए, तभी आपको रिकॉर्ड करना है.
और गाइस आपको याद रखना है, जब भी आप ये रिकॉर्ड करें आपको ध्यान में रखना है कि आपका नेट वाईफाई अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं है, और आपका माइक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आपको शूट करना है। तो गाइज़ ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना ऑडिशन वीडियो शूट करेंगे आपको अपना मोबाइल कहीं टेबल पर रख देना है, अगर आपके पास ट्राईपोड है तो उस पर लगा के करना है, एकदम प्रॉपर करना है, किसी को अपने हाथ में पकड़ा के मत करिएगा, उससे क्या होगा आपका कैमरा हिलेगा बार बार मोबाइल, तो भाई आपका वीडियो अच्छा नहीं होगा और आप इसमें एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे फिर। तो याद रखिए, जब भी आप अपना ये ऑडिशन रिकॉर्ड करिए तो भाई मोबाइल कहीं पर रख दीजिए, जिससे आपका मोबाइल हिले ना और स्टिल रहे और आपका वीडियो अच्छा आए। तो गाइस जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो कम से कम आपका 90 सेकंड यानी डेढ़ मिनट का वीडियो कम से कम आपका होना चाहिए। अगर आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको वीडियो की साइज़ छोटी करके फिर से अपलोड करना है गाइस। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, तो गाइस इन्होंने अपनी मेल आईडी दे रखी है, आप उस मेल आईडी पे जाके अपनी प्रॉब्लम सबमिट कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो गाइज आपको रिकॉर्डिंग पे ऑन करना है, फिर यहाँ पे अगर आपने पहले से रिकॉर्ड किया है तो आपको फाइल में जाना है, अगर आपने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया आपको लाइव रिकॉर्ड करना है तो आपको कैमरा क्लिक करना है और उसके बाद आपको रिकॉर्ड कर लेना है। तो गाइज देखा आपने कितना सिंपल था। तो गाइज आप भी घर बैठे ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं। अब यार ये मत सोचिएगा अरे यार मेरा कहाँ होगा, इतने सारे लोग ऑडिशन देंगे कहाँ मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो गाइज ऐसा मत सोचिए यार, आप पहले ही सोच रहे थे यार मेरा नहीं होगा, यार ट्राई तो करो, क्या पता यार आपका ही हो जाए। किसी का भी भविष्य किसी को नहीं पता है गाइस, तो प्लीज ट्राई करेंगे तभी कुछ होने वाला है, ऐसे सोचने से कुछ भी नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो यार, कब आप कहां से चमक जाओगे कुछ भरोसा नहीं है। आपको घर बैठे मौका मिल रहा है, लोग लाइन लगा के ऑडिशन देते थे पहले, आज ऑनलाइन डिजिटल हो चुका है सब कुछ। तो गाइज इसका फायदा उठाइए, घर बैठे ऑडिशन दीजिए। और गाइज और कोई भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, पूरा आपको गाइड करूंगा। और गाइज ऐसे ही ऑडिशन अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आया हो तो। और गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम डेली ऑडिशन अपडेट डालते रहते हैं, जिससे आपको बॉलीवुड के हर एक ऑडिशन के बारे में पता चलेगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।